अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में हम लोग तकरीबन डिफेंस पहुंचने ही वाले हैं, बलोच पुल में पहुंच गए। आज के ब्लॉग में हम लोग जा रहे हैं बशीर के पास। और बशीर के पास क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उसकी फ्लाइट है आज उमरे की, माशाल्लाह तो उमरे की फ्लाइट है। पूरी रात से हम लोग नहीं सोए, ठीक है, 9:25 हो रहे हैं। और अगर आप लोगों को मैं अपनी आंखें दिखाऊंगा तो पूरी लाल हो रही है। पूरी रात से हम लोग नहीं सोए। फिलहाल बस फौरन बशीर के पास पहुंचते हैं, टाइम नहीं है, एयरपोर्ट निकलना, जल्दी देखें टाइम, देखें क्या हो रहा है। 9:26 सुबह भी अच्छे खासे लोग उठे हुए हैं, देखें लोग जा रहे हैं ऑफिस पे। हम सोए थे तो मुझे लगा कि सारे ही सोए हुए होते हैं रमजान में, असल में पूरी रात से जागे हुए तो गला भी इतना सूख रहा है कि आवाज़ भी आप लोग थोड़ी चेंज करेंगे। और हमारा भी प्लान था बशीर के साथ ही उम्रे पे जाने का, बस क्या करें, बुलावा नहीं हुआ। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जरूर जाएंगे, थोड़े टाइम में प्लान करते हैं। फिलहाल हमें बहुत लेट हो रही तो गाड़ी थोड़ी भगाते हैं। ये हम DHA में आ चुके हैं और हमने बशीर के साथ एक सीन कर दिया। मेरे दोस्त ने बशीर को बोल दिया कि राफे नहीं आ रहा। अब उसने बोला था, मैंने उसको बोला था मैं छोड़ने चलूंगा बशीर, कोई चले ना चले। तो जरा उसको कॉल करते हैं और देखते हैं वो बोल रहे क्या रहा है। वीडियो कॉल करके आपके भाई को पकड़ लिया। ये समझ गया था कि मैं नहीं आ सकता क्योंकि मैंने इसको बोला था मैं आऊंगा, इसको बता था मैं आऊंगा। हैदराबादी आंटी क्या हाल है यार, बहुत गर्मी लगी है, ठंडा ठंडा रूप सा बना दो, ठंडा ठंडा जल्दी जाओ ले आओ। बस सुबह धूप में आए, कुछ ठंडा तो पिला दो। रोजा नहीं आपका? रोजा है तो आप भूल गए थे मेरा रोजा है। मैंने इसको मस्ती बोला पानी ले आओ, पानी की बोतल ले आया ला कर। वाह बच्चे वाह, हमारे बैग, चलो भाई जान लगाओ रखो ऊपर। ओए ओए थोड़ा फर्क आएगा क्योंकि मेरा जो मोबाइल है मैंने व्लॉग अपलोड के लिए रख दिया है, सही है, और मैं बशीर के मोबाइल से बना रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, एडवांस उमरा मुबारक, ठीक है। और बैग आ जाएगा, असल में सबसे मुश्किल काम ये होता है कि बैग डालना और फिर क्लियर कराना, क्योंकि वजन हमारे आपको पता ना बैग के होते हैं बहुत। तुमने बोला शुक्र बैग खत्म, ये एक और ले आया यार। देखें डायरेक्ट फेस पे लग रही है और रोजा लग रहा है और इस वक्त बज रहे हैं 10 बज रहे हैं। फाइनली गाड़ी भी स्टार्ट हो गई, एसी तेज करो यार, तेज करो। एक जा रहा है, एक अदद जहाज, ये देखते हम निकलने वाले। बशीर को पिक कर लिया, बिठा लिया अपनी गाड़ी में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, कहाँ जा रहे हो और कितने दिन के लिए जा रहे हो ये बताओ। जा रहा हूँ 22 दिन के लिए। 22 दिन के लिए अकेले हमें छोड़ के कहाँ जा रहे हो? उमरे पे। उमरे पे जा रहा है यार अकेले छोड़ के? नहीं मतलब बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा हमें ले जाने का। हेलो आप कब आए? जब आपका दिल करे पहुंच। जब आपका दिल करे यार, बहुत दिल है जाने का लेकिन जा नहीं पा रहे, देखते हैं कोशिश करते हैं पूरी कोशिश। फ्लाइट कितने बजे? 1:30 की। 1:30 की, अभी तो बहुत टाइम है यार, 10:30 बजे हमें तो सुबह से उठाया है तुमने। एयरपोर्ट पे रश बहुत है। एयरपोर्ट पे रश बहुत है, चलो खैर है, सोई नहीं हम उठे हैं क्या। ये जा रहा है एयरपोर्ट का रास्ता। और बशीर वहाँ जाके दुआ क्या मांगनी आपको पता है? क्या मांग? बढ़ जाए। कितने हो जाए? 1 मिलियन। ओए होए भाई, वहाँ जाके दुआ मांग ली तो मतलब हो ही जाएंगे। क्या क्या बोलो? ये भी बोले आप आ जाओ इधर। हाँ यार बस जाना है, कोशिश करते हैं पूरी जान लगाते हैं उमरे पे जाने की कोशिश करते हैं, इंशाल्लाह क्या पता चले। तो बताओ जा तो रहे हो, अलबैग कितने खाओगे सब छोड़ो ये बताओ। और भाई आपका इंतजार रहेगा वहाँ पर, मेरा इंतजार रहेगा। अभी हम रास्ते में पूरे यही बात करते रहे कि यार बस बुलावा होगा तो आ जाएंगे। खैर दुआ करो आप वहाँ पर जाके, मक्का में बस आप दुआ करो, हम आते हैं पीछे, आ रहे आ रहे हैं, कोशिश करते हैं पूरी, अगर लग गया तो चांस लग गया। एयरपोर्ट के पास आ चुके हैं, वो सामने एयरपोर्ट का मेन गेट है, वो देख रहे हैं आप लोग। हो जा भाई हो जा, हो गया सिग्नल ग्रीन, चलो चेक करते हैं हमें ऊपर वाले रास्ते पे जाने देते हैं या नहीं देते हैं। वैसे एक गाड़ी अलाउ होती है मेरे ख्याल से, क्या पता जाने दे भी हमें। क्लियर हो गया हमें, हम निकल गए, हमारी बात हो गई उनसे, उन्होंने कहा आ जाए। ये भाई हम पहुँच गए एयरपोर्ट पर। ओह पहुँच गए, क्या पता हम भी जा रहे होते आज साथ एयरपोर्ट पर ऐसे उमरा करने। अगर फाइनली एयरपोर्ट के पास पार्किंग लगा दें, इधर पार्किंग भी मिल गई क्योंकि यहाँ से भी गाड़ी उठ जाती है। बैग उतारो अंदर से भी निकालते हैं बैग निकालते हैं। मैं आ जाऊँगा पीछे से, आप ऐसे मुबारक सफर पे जा रहे हो ना यार, मतलब बहुत दिल कर रहा है साथ चलेगा, मैं आ जाऊँगा पीछे। यहाँ पर सजा दिए, अब इसको अंदर लेके चलते हैं, पूरे लोड हो गए, सही है। ओके फिर वेट रहेगा आपका, इंतजार रहेगा, मिलते हैं इंशाल्लाह। संभाल के लेके जाना, चले भाई हम निखले। इसका बम्पर ये क्या, इसका बोनट ही खुला हुआ है। हैदराबादी आंटी फिर अब आने के बाद हैदराबादी बिरयानी बनाएंगे इंशाल्लाह। बशीर को ड्रॉप कर दिया है एयरपोर्ट पे, अब हम चलाएंगे एक्वा और जरा इसको चला के चेक करते हैं। इसमें एक बहुत बड़ा मसला दिखाते हैं आपको, देख रहे हैं आप लोग, ये देखें ऐसा लग रहा है वो चल रही है बोलान डब्बा। लोग से मिलते हैं थोड़ी देर में जुम्मे की नमाज पे। भाई इस वक्त हम लोग निकल चुके हैं जुम्मे की नमाज पढ़ ली। असल में जुम्मे की नमाज में मैं अपना मोबाइल ले जाना भूल गया था कि व्लॉग बनाऊं, मोबाइल ही मैं घर पे भूल गया था जल्दी जल्दी में। तो अब असर की नमाज पढ़ने जा रहे हैं, उसके बाद हमें एक और जगह जाना है, वो जगह कहाँ जाना है, वहाँ पर इफ्तारी कराने जाना है। फिलहाल यहाँ पर भी देखें अभी इफ्तारी की तैयारी स्टार्ट हो गई, नमाज के फौरन बाद लोग अपने स्टॉल्स पे जाते हैं और इफ्तारी की तैयारी स्टार्ट करते हैं। हर जगह कोने कोने पर आजकल तो इफ्तारी हो रही है, वालों के लिए भी गर्म गर्म इफ्तारी आ गई, देख रहे हैं गर्म गर्म।
हमारा प्लान था कोई फूड स्ट्रीट जाने का, लेकिन आप लोगों को पता ना सुबह से हम लोग सोए नहीं है, तो उसके बाद हिम्मत तो नहीं हुई थी। फिर पता चला कि स्टॉल पे भी आज ज्यादा काम है, तो फिर आज स्टॉल पे जाना पड़ रहा है, वो वाले जहाँ पर हम सब लगाते सामान। इतना स्टार्ट हो गए दरिये सही है, और ये देखेंगे ये खाली टेबल है, अभी अभी बच्चे बैठे हैं, अभी इस पे सामान आएगा सारा। हमने खुद बनाया है, क्या है क्या करो, वाटर बॉल। वाह भाई, तो शरबत वाले कुछ ज्यादा ही लेट हो गए, वो भाई आए नहीं अभी तक, वरना अभी तो बन के रेडी हो जाते हैं, लोगों को हम दे रहे होते हैं। देखिए आ गए शरबत वाले भाई भी आ गए फाइनली, पतीले ग्लास वगैरह थाल सब कुछ आ गया है, बर्फ भी आ गई है। तो पहले कपड़े में पानी छान रहे हैं, फिर से भाई लाल शरबत है, देख रहे हैं लाल शरबत आपके भाई को बड़ा पसंद है, शरबत पसंद है लाल, इसको भी भाई देखें, इस बच्चे को भी लाल शरबत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। वो बशीर भाई वो एयरपोर्ट छोड़ गया था, सुबह सुबह एयरपोर्ट छोड़ने गए उनको, सुबह सुबह बहुत लेट हो गए थे वो भाई। बाकी आज लाल शरबत रखा है माशाल्लाह, बेहतरीन। चले भाई बोतल डालते हैं, सही है लाल शरबत की, अंदर देखो अंदर ये देखो भाई ये देखो, इसका कलर ही कुछ और मजे का आता है यार, मिक्स होने के बाद ज्यादा ही अच्छा लगेगा। वैसे भी लाल शरबत मुझे बहुत पसंद है, और भी इतनी सारी बोतलें भाई ये भी डालते हैं। कैप जो है ना वो बड़ा फारिक कैप है ये भाई, ओहो माशाल्लाह माशाल्लाह क्या कलर आ रहा है, बेहतरीन। बर्फ भी आ गई और डालते हैं, देखे बर्फ के ऊपर डालते हैं, ये देख रहे हैं आप लोग, ओए होए होए आज दिल खोल के डाल रहे हैं, देख रहे हैं बेहतरीन, ये देखें हाँ 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 जबरदस्त जबरदस्त भाई। देखें आज कितनी बोतलें डाली है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 भाई, अब जरा घुमाते हैं इसको, ओए होए 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 ओए होए होए होए, रोजा इतना लग रहा है, ऊपर से बर्फ ऐसी ठंडी ठंडी, ऊपर से शरबत, यार क्या बताऊँ आपको, सबर नहीं हो रहा सबर। आप लोग भी रोजे में देख रहे होंगे, आप लोगों को भी बड़ा रोजा लग रहा होगा, टेस्ट करके तो बताओ कैसा हुआ है यार, तुम भी रोजा रखते हो इतने छोटे, हाँ ये टेस्ट करके बताओ भाई कैसा है शरबत। बर्फ से फुल लोड हो चुका है, वो भी बर्फ से फुल लोड हो चुका है, इसको भी घुमा ले, ये भी घुमा दे, सही घुमा नहीं है, मिक्स नहीं हुआ है, ये होगा मिक्स, ओए होए होए। आज के दिन की पहली बोतल आ गई है, देखना आज के दिन की पहली बोतल, अभी इफ्तारी में 7 मिनट बाकी हैं और अभी भी बहुत सारा शरबत बाकी है, अभी बहुत सारा रश लगने वाला है इधर, पहले देखते हैं कि पुलाव की क्या सिचुएशन है वहाँ पर, लेकिन चल रहा धुएं निकल रहे हैं, सही है अकनी है आज अकनी, शरबत से इधर आए 3 देंगे तो 4 देंगे फारिग भी हो गए, रुक चुका है भाई, ओहो देख में से कैसी निकल रही गरम गरम अकनी, क्या खुशबू आ रही है। इनके रोजे ना तो अब आवाम को ज्यादा ही होती है इधर, अभी आप देखें कितने अभी बन रहे हैं और अभी भी और आ रहे हैं थाल। ये है ना ये जो चाचा है, अस्सलाम वालेकुम, ये चाचा पता है क्या काम करते हैं यहाँ पर, जितने लोग बैठे ना उनको भर के देते ना आप, बेहतरीन काम करते हैं चाचा। मैं स्टार्ट हो गया, चले भाई अब अपन वापस हमारी ड्यूटी पे आ जाते हैं, पूरी बाल्टी आ गई देख रहे हैं आप लोग, 4 मिनट के अंदर कितना सा बाकी रह गया, दबा के हमने काम किया, दबा के लोगों को दिया। अस्सलाम वालेकुम बलोच भाई, क्या हाल है, आप कहाँ का है भाई? लेट हो रहा हूँ, लेट कुछ ज्यादा ही लेट हो रहे हैं आजकल, नहीं बहुत ज्यादा ही लेट हो जाता है, थोड़ा सुबह जल्दी उठा कर। देखिए अच्छी खासी आवाम आ गई देख रहे आप लोग, बहुत ज्यादा लोग हैं, और बाकी रूह शरबत पे भी कुछ ज्यादा ही लोग हैं। पानी डाले भाई और पानी डाले, खत्म हो गया, डालो और शरबत डालो, रूह और डालो, डालो शीरा डालो, चेक करें भाई और डाल दें। हम लोग यहाँ होते ना तो हमारी ना इफ्तारी मतलब रोजा ऐसी खुलता है कि कहीं भी बैठ जाते रुक कर और बस खा लेते, अजान होने ही वाली है, अजान होने ही वाली थी कितनी देर में ना बस आके रुक गई है, ये देख रहे हैं अब इधर हमें जाना पड़ेगा अंदर ड्यूटी देने, अंदर जो लोग बैठे उनको शरबत बनना पड़ेगा। ये चेक कराओ कैसा है, आज तो बहुत ज्यादा मजे का बना है, बस आ गई है, चलो भाई बस चलते बस में भाग रहे हैं क्योंकि बस में जो लोग बैठे उनको रोजा खुलवाना है फौरन फौरन, जल्दी करो जल्दी करो, खाली लेडीज हैं बाकी सारे जेंट्स इधर आ चुके हैं, और स्ट्रॉबेरी चेक करें माशाल्लाह, इतना रास्ता कि खाली खजूर और शरबत से रोजा खुला है, तकरीबन खत्म हो गया वहाँ तो एंड ही हो गया। आ गई हमारी अकनी, आज हम चने की अकनी है पर ट्राई करेंगे और चेक करते हैं कैसी है ये, सही है ये ले लिया बाइट, और निकालते नमाज पे चलते हैं भाई। वीजल मैंने यहाँ पर पार्किंग पे लगा दी है और मैं आ गया अपनी रेबो के पास, आप लोग बताएं इसके अंदर क्या मॉडिफिकेशन करनी चाहिए, देखें हमर बम्पर लगाएं क्या करें, कमेंट्स आपके लिए ही, आप लोग कमेंट्स में बताएं यार, कमेंट्स भी नहीं कर रहे। इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करके बताएं आज का ब्लॉग कैसा लगा, इंस्टाग्राम पर राफे दानिश के नाम से फॉलो कर लें और वीडियो को लाइक भी करें, वीडियो को लाइक करें जाके इंस्टाग्राम पर राफे दानिश के नाम से फॉलो कर लें, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।